फ्रेंड्स, वेलकम टू प्योर वेज रेसिपीज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि एक डस्टबिन से रिलेटेड बहुत ही बेस्ट टिप है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारा डस्टबिन जो है वो लंबे समय तक चले, बिल्कुल भी गंदा ना हो, और हमारी जो पन्नी है उसे हम बार बार चेंज ना करना पड़े, तो बहुत ही अच्छा टिप है ये। आप देखिए, बहुत ही बेस्ट टिप है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है फ्रेंड्स कि हम डेली डेली डस्टबिन को धोएं या फिर डेली डेली उसकी पन्नी चेंज करें, तो इससे हमारा बहुत ही टाइम वेस्ट होता है। और तो हमारा जो डस्टबिन है लंबे समय तक कैसे बिल्कुल साफ सुथरा रहे और हमें कम महीनों इसे धोने की ज़रूरत ना पड़े, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, पन्नी है, ये गार्बेज बैग है, ये तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका यूज़ करते हैं हम, लेकिन कैसे इसका यूज़ करना है कि लंबे समय तक हमारा गार्बेज बैग भी हमें चेंज करना ना पड़े और हमारा जो डस्टबिन है वो भी बिल्कुल सेफ रहे, तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने ये गार्बेज बैग ले लिया है, बिल्कुल अपने डस्टबिन के साइज का है। और फ्रेंड्स, दूसरा मैं यहाँ पर लेने जा रही हूँ, ये रबड़ बैंड है। अगर आपके पास डस्टबिन के साइज का रबड़ बैंड है तो वो ठीक है, लेकिन मेरे पास डस्टबिन के साइज का रबड़ बैंड नहीं है, तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे रबड़ बैंड को जोड़ करके एक बड़ा रबड़ बैंड बनाऊंगी। तो अभी मेरे पास वो बड़ा रबड़ बैंड है नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर छोटे छोटे रबड़ बैंड का यूज करके इसे एक डस्टबिन के साइज का रबड़ बैंड बनाऊंगी। तो पहले मैं वो तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, सब अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि रोज़ रोज़ डस्टबिन को धोते रहें, तो इससे हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, और डेली डेली पन्नी भी चेंज करें तो उससे भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो बहुत ही बेस्ट टिप है जिससे कि हम अपने डस्टबिन को लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल साफ सुथरा रख सकें और हमें डेली डेली पन्नी चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक रबड़ बैंड तैयार कर लेती हूँ। अब मैंने चेक कर लिया है, अभी भी रबड़ बैंड मेरा छोटा है, तो मैं उसे और बड़ा बना लेती हूँ। तो इस तरह से ये बिल्कुल डस्टबिन के साइज का रबड़ बैंड बन गया है। अब मैं इसे गांठ लगा करके इसे टाई कर लेती हूँ, बांध लेती हूँ। तो ये रबड़ बैंड तो मेरा तैयार हो गया है। अब हमें कैसे यूज करना है और कैसे बैग को लगाना है वो आप देखिए। सबसे पहले तो मैं डस्टबिन के अंदर का एरिया कवर करूंगी, तो इसके लिए मैंने एक बैग लगा लिया है, और ये तो हम सभी नॉर्मली जानते हैं कि इस तरह से हमने गार्बेज बैग को लगा देना है और जब कूड़ा इसमें डालना है तो जब भी कूड़े वाला आता है फ्रेंड्स, तो वो क्या करेगा, इस पन्नी को उठा के ले जाएगा, फिर हमें डेली डेली पन्नी चेंज करनी पड़ेगी, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो यहाँ पर मैं दो पन्नी का यूज़ करूँगी, उसमें से जो एक नीचे वाली पन्नी है वो तो एज इट इज़ रहने दूंगी और ऊपर वाली पन्नी जो है वो कूड़े के लिए यूज करूंगी। तो जो नीचे वाली पन्नी है वो हमारे डस्टबिन को बिल्कुल सेफ रखने में मदद करेगी, और दूसरी वाली पन्नी लगा ली है। अब इसके ऊपर इस तरह से मैं रबड़ बैंड को लगा दूंगी, तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल फिक्स हो गई है हमारी पन्नी। जो नीचे वाली पन्नी है वो भी बिल्कुल फिक्स हो गई है, और जो ऊपर वाली पन्नी लगाई है जिसमें हम की कूड़ा डालेंगे, तो वो भी बिल्कुल फिक्स कर ली है। अब ये पन्नी हमारी जो है वो 3 दिन तक
बिल्कुल अच्छे से चलेगी, क्योंकि 3 दिन भी अगर हम इस पन्नी को यूज़ करते हैं तो इसका जो कूड़ा है वो कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा, और नीचे एक जो पन्नी लगा रखी है उससे तो हमारा डस्टबिन बिल्कुल सेफ रहेगा, मतलब कि उसे महीनों तक आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब कूड़े जब 3 दिन हो जाते हैं तो आपको आराम से इस तरह से इसे सर्कल में निकाल देना है, क्योंकि कूड़े वाले के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो रबड़ बैंड से आपकी पन्नी को खींच करके निकालेगा, तो वो भी आपका कूड़ा पलट के ले जाएगा अपने बैग में, और इस तरह से आपकी पन्नी भी सेफ रहेगी। और आप इस तरह से आराम से निकाल करके 3 दिन के बाद अपनी पन्नी को चेंज कर सकते हैं, तो आपको डेली पन्नी चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, और डस्टबिन भी आपका बिल्कुल सेफ रहेगा। और जो ऊपर का ढक्कन है वो भी आपका बहुत जल्दी से गंदा हो जाता है, डस्ट धूल मिट्टी भी पड़ती है उससे भी गंदा हो जाता है। और दूसरा ये है कि जब भी कूड़े वाला उठाएगा आपकी बैग को तो उसके हाथ लगते हैं, या उसका जो बैग होता है जिसमें वो कूड़ा ले जाता है वो भी अगर ज़रा सा भी टच हो जाता मतलब कि लगता है उसमें भी गंद होता है, तो वो आपकी डस्टबिन के ढक्कन के साथ बहुत जल्दी से लगता है। तो अपने ढक्कन को भी हम इस तरह से एक पन्नी से कवर करेंगे और उसे फिर हम इस तरह से पीछे से बांध देंगे, टाई कर देंगे। अगर रबड़ बैंड लगाना हो तो रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टाई कर रही हूँ, मैंने बांध दिया है, यहाँ पर 2 गांठें लगा दी हैं। और इस तरह से ऊपर का जो ढक्कन है वो बिल्कुल हमारा सही से कवर हो गया है। और अब इसका जो अंदर का एरिया है, जैसे कि एक्स्ट्रा हमें ये बैग दिख रहा है, तो उसे हम इस तरह से ढक्कन के बीच में फिल कर देंगे, उसे इस तरह से अंदर की तरफ को भर देंगे, तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और हमारा ढक्कन जो है वो गंदा होने का सवाल ही नहीं है। तो 2 एरिया हैं जो मोस्टली गंदे होते हैं, एक ढक्कन हो गया और एक अंदर का हो गया। नीचे का हिस्सा है वो हमारा इतना जल्दी से गंदा नहीं होता है, वो तो बिल्कुल साफ ही रहेगा। बाकी जो मेन गंदे होने वाली चीज़ें हैं जैसे कि ढक्कन और अंदर का एरिया, तो उसे हमने इतना अच्छे से प्रॉपरली कवर कर दिया है कि उसे उसमें कहीं भी धूल मिट्टी कण गंदगी लगने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। तो जब यहाँ पर धूल मिट्टी कण गंदगी लगेगी ही नहीं, तो फ्रेंड्स हमारा महीनों डस्टबिन गंदा नहीं होगा। और हर हफ्ते में एक बार ये जो ऊपर की ढक्कन की पन्नी है उसे हम चेंज कर देंगे, और जो अंदर का एरिया है उसकी जो पन्नी है वो 3 दिन के अंदर अंदर चेंज कर देंगे, और जो बीच नीचे एक और लगा रखी है पन्नी उसे हम एज इट इज रहने देंगे, वो क्योंकि वो जल्दी से गंदी होगी ही नहीं। तो इस तरह से हमारा डस्टबिन जो है उसे बार बार धोना, बार बार पन्नी चेंज करना, वो झंझट जो है हमारा जो टाइम वेस्ट होता है, और हमें बार बार डस्टबिन से हाथ लगाने में अच्छा भी नहीं लगता है, तो उस झंझट से हम काफ़ी हद तक हमें मुक्ति मिल जाती है। और मैं तो यही ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि पहले मैं डेली धोती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एक स्पेशल टाइम निकालना पड़ता था इसके लिए, जो कि मैं अब काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलैक्स है, और मुझे लगा कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से अपने डस्टबिन को आप मेंटेन करें, इस तरह से डस्टबिन को रखें। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी यूज़फुल वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स अगर आप मुझे कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।